गणेश चतुर्थी का पर्व देश भर में श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोटा में भी गणेश चतुर्थी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। घरों में बप्पा के भक्तों ने मूर्तियां स्थापना की तो वहीं पूजा अर्चना का दौर भी चला। हालांकि इस बार मंदिरों को भक्तों के लिए नहीं खोला गया है। ऐसे में भक्तों ने मंदिरों के बाहर ही गणपति के ढोक लगाकर कोरोना के जल्द खात्मे की प्रार्थना की। उधर सुबह से ही भक्त भगवान गणेश की मूर्तियां खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंचना शुरू हो गए तो वहीं भक्तों ने आसपास के मंदिरों में गणपति के दर्शन कर अपने दिन की शुरुआत की। कोरोना के चलते इस बार शहर में गणपति के पंडाल नहीं सजाए गए हैं। ऐसे में भक्तों ने घरों में ही बप्पा की स्थापना की। अब अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न कर इच्छित फल की मनोकामना की जाएगी। कोटा के मुख्य खड़े गणेश जी मंदिर में गजानन की पूजा अर्चना व श्रृंगार आदि किया गया, लेकिन पहली बार भक्त अपने प्रिय आराध्य देव के दर्शन नहीं कर पाए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर विघ्नहर्ता प्रथम आराध्य देव गणपति की आराधना कर संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना की और कोरोना महामारी के अंत की प्रार्थना की। इस मौके पर स्पीकर बिरला ने कहा कि गणेश चतुर्थी पर सामाजिक समरसता व सद्भाव बढ़ाने का संकल्प दोहराएं। वहीं शहर में परकोटे के अंदर पाटन पोल स्थित मन भावन गणेश मंदिर में भी इस बार भक्तों का टोटा रहा। कोरोना के चलते इक्का दुक्का भक्त ही दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचा। यह मंदिर भैरू गुजरी के नाम से विख्यात है। मंदिर 300 साल पुराना है। मान्यता है जिस व्यक्ति की शादी नहीं हुई हो वो 7 बुधवार जलेबी का भोग लगाता है तो उसकी शादी की जो मन्नत है वह पूरी हो जाती है। ऐसे कई लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी मन भावन गणेश चूड़ियाँ बनाते हैं। इस मंदिर में पूरे शिव परिवार की प्रतिमा है। शिव, शक्ति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पार्वती सहित सूर्य नारायण, गंगा मैया, पंचदेव सहित कई देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं। तो भगवान गणेश अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान हैं। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है। इस बार कोरोना के चलते भक्तों की संख्या में कमी है। श्री मनभावन गणेश जी महाराज भैरू गुजरी में विराजते हैं। ये करीबन मंदिर 300 वर्ष पुराना है और दरबार का बड़ा है मंदिर है, क्योंकि इसको राजकीय सहायता देवस्थान ऑफिस से राजकीय सहायता मिलती है। हालांकि इस साल शायद बजट में या कुछ उन्होंने कम दिया, हमारा अभी तक भी इनकी राशि नहीं आई, वक्त है। इसके अलावा इस मंदिर में अब तक जो भगत आते हैं उनमें जो कुंवारे बच्चे बच्चे आते हैं जिनके साथ यूनिवर्स, तो गए साल आए बहुत तो सबकी 40-50% की शादी होगी, बच्चे बच्चे की होगी। उधर मंडाना में भी गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने मिट्टी के गणपति बनाकर उनकी पूजा अर्चना की तो वहीं गणेश बाग के मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बप्पा के दर्शन किए तो वहीं छपनिया तालाब के भगवान गणेश जी की प्रतिमा पर भी विशेष श्रृंगार किया गया। भक्तों ने गजानन की पूजा अर्चना की। इस मूर्ति की स्थापना अकाल के समय की गई थी, इसके बाद से छपनिया का तालाब कभी खाली नहीं हुआ। एक साइड पे 3-3 फुट की जगह पे उनको खड़ा किया और सारांशी पूजा कर रहे और जो किसी को भीड़ नहीं होने दी, आते रहे जाते रहे, जो भीड़ आई उसको तीसर तीसर इधर उधर करके पूरा अपना कार्यक्रम चालू। उधर बारा शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके चलते इस बार बप्पा का जन्मोत्सव फीका रहा। शहर के मंशापूर्ण गणेश मंदिर पर हर साल भारी संख्या में भक्तों की आवाजाही लगी रहती है, मगर इस वर्ष कोरोना के कारण मंदिरों में किसी प्रकार का आयोजन नहीं हुआ। पुजारियों द्वारा मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं गणपति के भक्तों ने घरों में ही गणपति की स्थापना कर पूजा अनुष्ठान किया। हर बार हम इस बार कौन बताते हैं, इस बार भी आए, भीड़ बहुत कम है, यहाँ दो दो आदमी करके अंदर लिए जा रहे हैं। भगवान सबको इस कष्ट से दूर रखे, कोरोना महामारी सबको कोरोना देश से पूरा देश से भगाएं। भीड़ लगती थी 100-100 आदमियों की लाइन लगती थी, लेकिन आज की आवाज आज तारीख में आज दो दो आदमी अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल डिस्टिंग रखी जा रही है उसकी। हमें दो दो जनों को अंदर लाया जा रहा है, भक्तों की भीड़ लग रही है, इस वजह से कोरोना की वजह से दो दो जनों को लाया जा रहा है। पर जिस तरीके से अगले साल मनता था, हर साल मनता था, उस तरीके से नहीं मन पा रहा है। कोरोना की वजह से दो दो जनों की बुलाया जा रहा है, इस वजह से कोई भीड़ नहीं है, यहाँ पे पूरा पाबंद है।
झालावाड़ में गणेश चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिन गणेश महोत्सव का खासा उत्साह रहता है, लेकिन इस बार कोरोना आपदा ने गणेश उत्सव के रंग फीके कर दिए हैं। लेकिन प्रथम पूज्य गणेश के प्रति श्रद्धालुओं में कहीं भी कम नहीं दिखाई दी। हालांकि कोरोना आपदा के चलते इस बार बड़े बड़े पंडाल नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सभी श्रद्धालु अपने घरों में नन्हे गणेश जी को विराजमान कर आगामी 10 दिन तक पूजा अर्चना में जुटे रहेंगे। झालावाड़ गढ़ परिसर के श्री गढ़ गणेश मंदिर पर भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर श्रद्धालुओं ने भगवान लंबोदर को ढोक लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं ने भगवान गजानन से इस बार कोरोना संकट से विश्व को मुक्ति दिलाने की कामना की है। उधर टाइगर सिटी सवाई माधोपुर के रणथंबोर दुर्ग क्षेत्र नेत गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी पर रणक भंवर के लाडले भगवान त्रिनेत गणेश का जन्मोत्सव मनाया गया। पहली बार ऐसा मौका आया है जब भक्त अपने प्रिय गजानन के दर्शन नहीं कर पाए। मंदिर में गजानन के जन्म की झांकी सजाई गई, तो वहीं मंदिर ट्रस्ट द्वारा त्रिनेत गणेश का 3 दिवसीय लक्खी मेला भी रद्द कर दिया गया। कोरोना को देखते हुए मंदिरों में श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया गया। सिर्फ मंदिर पुजारियों व मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा ही त्रिनेत गणेश के जन्मोत्सव की झांकी सजाई गई। प्रातः मंगला आरती से पहले मंदिर को सैनिटाइज किया गया। इसके बाद मंगला आरती व श्रृंगार आरती की गई। श्रृंगार आरती के बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराया गया और सोने चांदी के वृक से त्रिनेत गणेश का श्रृंगार किया गया। इस वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार एवं जिला प्रशासन की मेडिकल एडवाइजरी के अनुसार जो है गणेश जी का मेला स्थगित रखा गया एवं जो है श्रद्धालुओं को यात्रियों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन भगवान के जो जन्मोत्सव की जो पूजा है वो विधि विधान से हमारे परिवार द्वारा पुजारियों द्वारा जो है वो की गई और भगवान की मंगला आरती हुई, श्रृंगार आरती हुई। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमदाता।